नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 30 अगस्त से झारखंड के किसानों को प्रति लीटर मिलेगा 1 रुपए का सब्सिडी। झारखंड सरकार ने राज्य के दूध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दिया है। झारखंड मिल्क फेडरेशन को आपूर्ति करने वाले ग्रामीण दूध उत्पादकों को दूध के लिए 1 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जाएगी। सरकार की ओर से पहली बार इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री के पास। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास अभ्यर्थियों को अब परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति की जाएगी। खबरों के अनुसार शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति संशोधन नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। इस नियमावली को सहमति के लिए झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के पास भेजा गया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री की सहमति मिलते ही इस नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। धनबाद के जज की मौत के मामले में सीबीआई ने रखा अपना पक्ष, कहा ऑटो की टक्कर से ही हुई जज की मौत। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले को लेकर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने अदालत को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि जज की मौत ऑटो के धक्के से ही हुई है, लेकिन इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि इस मामले की जाँच अच्छी तरह से करके पता करें कि मौत के पीछे किसी का षड्यंत्र तो नहीं है। साथ ही अदालत ने दोनों आरोपितों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है। 100 करोड़ ठगने वाले जामताड़ा गैंग के क्रिमिनलों की संपत्ति होगी जब्त। साइबर अपराधियों के जामताड़ा गैंग पर नकेल कसने के लिए अब उनकी संपत्तियां सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने ऐसे 9 साइबर क्रिमिनल्स को चिन्हित किया है जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित कर ली है। इनकी सूची और इनके द्वारा जुटाई गई संपत्ति का ब्यौरा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सौंपा गया है। माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही इस दिशा में कठोर कार्रवाई कर सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय चालक के बगल वाली सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता वाली अधिसूचना की समय सीमा में बदलाव करने जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउन लगा था, इस वजह से सड़क परिवहन मंत्रालय एयरबैग की अनिवार्यता की डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर के बाद करने जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले वर्ष अधिसूचना जारी कर 31 मार्च 2021 के बाद बनने वाले वाहनों में आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा 31 अगस्त 2031 के बाद से मौजूदा सभी मॉडलों पर आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे देश में कोरोना के 44,658 नए मामले आए सामने। केरल में लगातार कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर केंद्र की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं साथ ही लगते हुए राज्यों को भी इससे खतरा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं सबसे दिमाग में तीसरी लहर को लेकर भी चिंता है। पिछले दिन जहां पूरे देश में 46,000 के पार मामले सामने आए थे, अब वहीं शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार 44,000 से ऊपर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,658 नए मामले सामने आए हैं और 32,988 लोग कोरोना को मात दिए। झारखंड में 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली महाराज प्रमाणिक ने बुधवार को सरायकेला में ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वह भाकपा माओवादी नक्सली संगठन में सब जोनल कमांडर के पद पर था। सरेंडर करने के बाद गुरुवार को उसे रांची ले जाया गया। उसे संगठन में शामिल नक्सलियों की योजना समेत अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। स्पेशल ब्रांच के स्तर से महाराज प्रामाणिक के नक्सल रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस अधिकारियों ने नक्सली महाराज प्रामाणिक के आधिकारिक रूप से सरेंडर करने की घोषणा नहीं की है।